नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए एपिसोड के साथ गायत्री ज्योतिष केंद्र में। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हुए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कुलिक नामक काल सर्प योग के बारे में, जो कि दूसरे भाव से अष्टम भाव के बीच में बनता है। जब दूसरे भाव में राहु व अष्टम भाव में केतु आ जाए और सारे ग्रह एक तरफ आ जाए, या तीसरे भाव से सप्तम भाव के बीच में, या फिर लग्न से लेके भाग्य भाव तक, तो कुलिक नामक काल सर्प योग होता है। बहुत ही खराब माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिसका कुलिक नामक काल सर्प योग होता है तो वह आने वाले समय के लिए कुल को समाप्त करने वाला होता है, यानी कि कुल वृद्धि को रोक देता है। दूसरा, आर्थिक पक्ष ऐसे व्यक्ति का हमेशा कमजोर रहता है, परिवार के साथ वैचारिक मतभेद रहता है। इसके अलावा जीवन में अस्थिरता रहती है, स्थिरता कभी नहीं रहती है। दूसरा, दाम्पत्य जीवन को भी यह प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को क्लेशमय बनाता है। मित्रों से जो मित्र होते हैं वही शत्रु बन जाते हैं और पक्षाघात करते हैं। अकस्मात उनसे हानि की संभावना हमें शत्रु से नहीं, मित्रों से रहती है। मित्र ही हमारे शत्रु बन जाते हैं जब कुलिक नामक काल सर्प योग होता है। लेकिन इसका सबसे खराब फल जो कुल के लिए होता है, कुल वृद्धि में, वंशोत्पत्ति में यह ब्रेक लगाने वाला होता है और अस्थिरता तो कर ही देता है जीवन में, व्यक्ति स्थिर नहीं हो पाता है। और आर्थिक पक्ष ऐसे जातक का हमेशा ही कमजोर रहता है, धन के लिए व्यक्ति को हमेशा ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और भी इसका कई बड़ा फल आगे को है बारीक बारीक, लेकिन ये महत्वपूर्ण फल है। जिस व्यक्ति को भी इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि एपिसोड हम छोटे छोटे ही बना रहे हैं। अब यहां पर को कुलिक नामक काल सर्प योग के लिए ज्योतिष शास्त्र में क्या उपाय बताया गया है? ठोस, जबरदस्त और एकमात्र ऐसा उपाय, इसके अलावा दूसरा उपाय तो हमने भी नहीं देखा है कुलिक नामक काल सर्प योग के लिए। तो और जो इस उपाय को करेगा तो कुलिक नामक काल सर्प योग से मुक्ति भी प्राप्त कर लेगा और कहीं ना कहीं इसके अशुभ प्रभाव से बच जाएगा। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखो, काल सर्प योग में सर्प भय भी होता है, सर्प से जहरीले प्राणियों से हमेशा भय रहता है, तो बचाव करें। तो उपाय कुलिक नामक काल सर्प योग के लिए ऐसा बताया गया है कि जिसका भी कुलिक नामक काल सर्प योग है तो घर के उत्तर व पश्चिम दिशा के बीच में सफाई करके, यानी कि उत्तर व पश्चिम दिशा के बीच में सफाई कर एक मिट्टी का घड़ा रखें और उसमें रोज जल भरे, यानी कि प्रतिदिन उसमें जल भरना है, और उसके बाद अगले दिन उस जल को किसी तिराहे चौराहे पे खाली कर देना है। नियमित ऐसा करना है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में मैं सफाई कर, जैसा लिखा है मैं वैसा ही बोल रहा हूं, उत्तर पश्चिम दिशा में सफाई कर वहां पर कोई एक मिट्टी का घड़ा लें, घड़ा घड़ा रखें और उसमें पानी भर दें और उस पानी को अगले दिन तिराहे या चौराहे पे छोड़ दें। प्रतिदिन ऐसा करने से कुलिक नामक काल सर्प योग से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, शांति प्राप्त होती है एवं दोष समाप्त होता है। अब तिराहा दुराहा ना भी मिले तो आप घड़े में का जो पानी है, अपने घर के बाहर जहां पर को भी आपका एक रास्ते से दूसरा रास्ता कटता है वहां पर को जाके खाली कर दीजिए। कोई बहुत बड़ा घड़े की जरूरत नहीं है, छोटा सा घड़ा भी चल जाएगा। तो यह कुलिक नामक काल सर्प योग के लिए जबरदस्त उपाय बताया गया है। हम आप लोगों के लिए इससे पूर्व में भी अनंत नामक काल सर्प योग के लिए उपाय लाए थे और इसके लिए भी लाए हैं। तो ये जो उपाय हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, यह जिस शास्त्र में हम देख रहे हैं बहुत बड़ा ग्रंथ है, और इसमें जो उपाय हम आप लोगों को बताए, इसके अलावा हमने दूसरा कोई उपाय विशेष तौर पर अनंत के लिए भी नहीं देखा, ना कुलिक के लिए ना वासुकी के लिए, जो हम आगे को आप लोगों को बताएंगे। तो यही उपाय है, इसको बिल्कुल गांठ बांध लें, बिल्कुल मन में प्रण करके इसी उपाय को करें, इन्हीं के पीछे पड़ जाएं, तो आप लोगों को काल सर्प दोष आदि से शांति प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। और अपने गुरुजी आदि से भी राय मशवरा कर लें, परामर्श कर लें कि क्या बहुत ही खराब काल सर्प योग है तो ऐसा बताते हैं तो फिर राहु केतु ग्रह का जाप भी करवा लीजिए, नाग स्तुति करवा लीजिए, काल सर्प के मंत्र आते हैं, सर्प सूक्त का पाठ होता है, वो आगे की प्रक्रिया है। लेकिन यहां पर को हम वो प्रक्रिया, वो उपाय आप लोगों को बताते हैं जिसमें कि आपको किसी अन्य चीजों का सहारा ना लेना पड़े, आप अपने आप ही कुछ चीजों से, स्वयं से, छोटी मोटी चीजों से उपायों को कर लाभ प्राप्त कर लें। ऐसे ही उपाय हमारा उद्देश्य रहा हुआ है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक और आगे को भी। नहीं तो उपाय तो एक से बढ़कर एक है, लेकिन क्या करेंगे, आप कर नहीं पाएंगे।
वो चीजें आपको मिलेंगी नहीं, मिल भी गई तो पंडित जी ढूंढने होंगे, मुहूर्त ढूंढना होगा, पैसा लगेगा और समय चाहिए। सबसे बड़ा है समय, जो कि आज लोगों के पास है ही नहीं, क्योंकि भगवान के लिए तो समय हमें निकालना पड़ता है। और भगवान क्या है हमारे लिए, आजकल कर में ही पूजा है, क्योंकि इतना कंपटीशन का समय है, महंगाई का दौर है, तो व्यक्ति मानसिक तौर पे तो जाप ध्यान करता है, लेकिन समय वो अन्य जगहों पे दे नहीं पाता है, तो इसलिए समय का अभाव है। तो समय अभाव में ये छोटे छोटे उपाय बड़े कारगर होते हैं, रामबाण और सीति की तरह कार्य भी करते हैं, इन्हें हमें अवश्य ही करना चाहिए यदि बचाव करना है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, यदि है तो भी उसे भी करना चाहिए। तो कुल मिला के ये जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।